करनाल में सेक्टर 14 मार्केट के पास स्थित एटीएम तोड़कर पैसे निकालने का प्रयास करने वाले गिरोह के सदस्यों को करनाल की सीआईएवन पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी देते हुए सीआईएवन के इंचार्ज ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अभी इनके दो अन्य आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीआईए के इंचार्ज ने पत्रकारों को बताया कि सेक्टर 14 मार्केट में चोरी की वारदात करने का प्रयास किया गया था, जिसमें एटीएम से बैंक के हेड ऑफिस में घंटी बजने के कारण उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। स्थानीय पुलिस ने मौके पर तत्परता दिखाते हुए इस चोरी की वारदात को रोकने में सफलता प्राप्त की। मौके से पुलिस की जिप्सी को देखते ही चोर एटीएम छोड़कर भाग गए। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर हांसी चौक के आसपास इनको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इनको अदालत में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी और इनके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। एसबीआई के एटीएम में अटेम्प्ट हुआ था, उन्होंने एटीएम करने के लिए चार आदमी आए थे और अपना तोड़ के जिस टाइम जाने लगे उस टाइम पुलिस की पीसीआर आ गई थी और ये मौके से भाग गए थे। तो कल शाम को हमारे को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि जिन्होंने एटीएम तोड़ा था वो हांसी चौक के आसपास घूम रहे हैं, एक और एटीएम की फिराक में है। तो उस इन्फॉर्मेशन में हमने उनको पकड़ा और उसे पूछताछ की। पूछताछ में बताया कि हमने वो एटीएम वहाँ से अपना अटैम्प्ट किया था और उस जगह की इन्होंने निशानदेही करवाई जहाँ अटैम्प्ट किया था। कितने लोग थे ये? बेसिकली चार लोग थे और ये एक स्विफ्ट गाड़ी में बैठ के आए थे। कैसे काबू किया था इनको? ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई थी कि इन्होंने थोड़े दिन पहले एक एटीएम का अटैम्प्ट किया था, आज फिर एक अटैम्प्ट करने की फिराक में। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? असन के पास बारी गांव है, वहाँ से बिलोंग करते हैं चारों। हाँ, जो दो दो एरिया के पुराना मामला, एक कोयर गांव का है और एक असन एरिया है। पुराना मामला अभी तक दो के इनके खिलाफ कोई अर्ली रिकॉर्ड नहीं पाया, दो अभी एट लार्ज हैं। उनके उम्मीद है कि उनसे एक दो केस का खुलासा हो सकता है। नकदी निकाल पाए? नहीं, नकदी निकालने पर उसे लगती है उस टाइम पीसीआर आ गई हमारी, साइरन छोड़ के मौका से भाग। तो बड़ी लापरवाही ऐसा रही है, सिक्योरिटी एजेंसी वाले हैं, एटीएम वाले, चौकीदार नहीं रहते। चौकीदार होता तो शायद ये अटेम्प्ट भी ना होता। तो इनके खिलाफ भी क्यों कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अभी? वो लिखेंगे कंसर्न अथॉरिटी, उसको हम लिखेंगे रिटर्न में क्योंकि लापरवाही से ऐसा अटेम्प्ट हुआ। आज क्या किया जाएगा? आज इनको जुडिशल भेजा जाएगा और दो की तलाश की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।